सोच के आगे जुर्म के पीछे खुशी आई खुशी ढेर सारी खुशियां चारों तरफ पर ये खुशियां आएंगी कब ये नहीं जानते मेरा शीशा रोज मुझसे ये कहता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूं इतनी सारी खुशियां आएंगी अरे नथू कहाँ जा रहे हो इतने बड़े बड़े दूध के डब्बे लेके यात्रा पे तो नहीं जा रहा हूँ अरे दूध देने जा रहा हूँ अच्छा ठीक है जाओ ज्यादा वक्त मत लगाना हाँ जा ये आवाज कोई बचाओ ए कौन है अरे कोई बचाओ उस लड़की को ये क्या हो गया पता नहीं इस लड़की ने इसे ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा ये तो वही अनुष्का मैडम है जिनके आप दूध देने जा रहे थे CID को बुलाना पड़ेगा मैं नहीं खोल के सर आपको सर ये अनुष्का मैडम है नोवे वाले में रहती है इसी बिल्डिंग पे हटिए प्लीज लास्ट से दूर खड़े रहिए सर जब भी किसी लाश का कुचला हुआ चेहरा देखता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते सर इसका मतलब है तुम में अभी भी इंसानियत बाकी है जिस तरह इसका चेहरा और सर कुचला गया है लगता ये लड़की सीधे सर के बल नीचे गिरी है मैक्सिमम इंपैक्ट सर के बल हुआ है कहीं धक्का तो नहीं दिया इसे बड़ी कह नहीं सकते ये लड़की यहाँ रहती है नोवे माले में अगर किसी ने यहाँ से धक्का दिया होता तो इसकी लाश और आगे यहाँ गिरनी चाहिए थी तो ये लाश बिल्डिंग के काफी नजदीक गिरी है मतलब श्रुति को किसी ने धक्का नहीं दिया बिल्डिंग से जितनी दूर ये लाश गिरी है उससे तो ऐसे ही लगता है कि ये खुद बालकनी से नीचे कूदी है शायद ये आत्महत्या ही है हाथों पे गले पे शरीर पे कहीं भी खरोच वगैरह का निशान नहीं है सर लगता नहीं है कि कोई हाथापाई हुई है या फिर किसी ने ऊपर से धक्का दिया है बालकनी में चल के देखते हैं देखते हैं वहां पे इतनी जगह है क्या कि कोई उससे वहां से धक्का दे सके तुम ये करो जी यहाँ से गिरी है कमरे की हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि अनुष्का के साथ किसी की हाथापाई हुई हो सारे सबूत आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं सर कहीं ऐसा तो नहीं कोई ये चाहता हो कि हम इसे खून समझे हो सकता है एक काम करो घर की अच्छी तरह से तलाशी लो जल्दी
सर। ये देखिए अनुष्का का ऑफिस का आई कार्ड। अनुष्का बैंक में काम करती थी, जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे ऐसे लग रहा था कि वो ऑफिस जाने वाली थी। सर ये लिफाफा मिला है। क्या? इसमें क्लब लेगस का पास है, शायद ये अनुष्का इस क्लब में जाती हो। हो सकता है, अनुष्का का मोबाइल पानी से गिरा हुआ था। एक मिनट, आखिरी कॉल आज सुबह 8:15 बजे आया था। अरे अनुष्का की मौत भी तो 8:15 से 8:20 के बीच में हुई थी। ये फोन कॉल जिम्मेदार तो नहीं है उसकी मौत का? हेलो, ये कहाँ का नंबर है? पीसीओ भूत का? कहाँ ये पीसीओ? यूसीएम रोड पे। ठीक है, थैंक यू। इस फोन बूथ पे चल के पता करते हैं कि अनुष्का को ये फोन कॉल किसने किया था। कभी कभी एक डिटेक्टिव का दिमाग सच्चाई मानने से इनकार कर देता है। उसे लगता है कि जो सामने दिखता है वही सच है, और फिर उसके दिमाग में लड़ाई शुरू होने लगती है कि क्या जो सामने दिख रहा है वो सच है या फिर जो नहीं दिख रहा है वो सच है। मतलब सर ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये खून है या फिर आत्महत्या। सचिन, जहां पर हमें अनुष्का की लाश मिली वहां से पता चलता है कि वो एक आत्महत्या है, लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि वो खून नहीं है। खून भी हो सकता है। पर सर खून करने के लिए तो खूनी का होना जरूरी, लेकिन अनुष्का के घर से खूनी की मौजूदगी के कोई भी निशान नहीं। सही तो, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अनुष्का के शरीर में कोई नशा नहीं था किसी दवाई की वजह से। सर अनुष्का को जो फोन आया था मरने से पहले? हाँ, 15 सेकंड पहले बात की उसने। किसके साथ बात की अनुष्का ने, कुछ पता लगाया तुमने? सर जिस पीसीओ से फोन आया था उस पीसीओ के मालिक की याददाश्त कमजोर है सर, उसे पता ही नहीं कि फोन किसने किया था। चलो कोई बात नहीं, अनुष्का के घर से और कुछ मिला? हाँ सर, ये बिल मिला है ज्वेलरी शॉप का। तो ये बिल पहले क्यों नहीं मिला फ्रेडी? और सर ये बिल ड्रॉवर के कोने में अटका हुआ था, इसलिए पहले नहीं दिखा। सोने की अंगूठी 2 दिन बाद मिलने वाली थी। कहीं ये शादीवादी का चक्कर तो नहीं? सर आइए प्लीज। सर ये भारती जी, अनुष्का की माँ। अनुष्का मेरे अकलौती बेटे थे, भगवान ने ऐसा क्यों किया, उससे मेरे बेटे ही छीन ले। भारती जी संभालिए अपने आप, शांत हो जाइए। आइए आप बैठिए, आइए आइए प्लीज आइए बैठिए। ले लीजिए। जब भारती जी ये बताइए कि अनुष्का को किसी बात की चिंता थी जिसकी वजह से ये सब? बिल्कुल भी नहीं, अगर उसे ऐसा कोई गम होता तो वो मुझसे कभी नहीं छिपाती। अनुष्का का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था ना? एक भोली भाली लड़की की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। अच्छा, आपकी अनुष्का के साथ फोन पर अक्सर बात भी तो होती होगी? हर रोज होती थी। उसने कभी कुछ बताया आपको? उसने मुझे बताया था कि उसकी जिंदगी कोई नया मोड़ लेने वाली है। कैसा मोड़? वो तो बताया नहीं, कह रही थी सरप्राइज है, और जिस दिन ये सरप्राइज पे से पर्दा उठाएगी वो दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। तो क्या कोई शादीवादी की बात थी क्या? वो तो बताया नहीं सर, बताने से पहले ही। ये एक ज्वेलरी शॉप का बिल मिला है हमें अनुष्का के घर से, सोने की अंगूठी का। सोने की अंगूठी? वो तो कभी भी सोना खरीदती नहीं थी। तो हो सकता है किसी को देने के लिए बनवाई हो। सोने की अंगूठी? ये भी हो सकता है कि शायद वो किसी लड़के को देना चाहती हो। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर, मैंने कई बार अनुष्का से कहा शादी कर ले, लेकिन वो हमेशा मेरी बात टाल देती थी। हो सकता है
यही सरप्राइज आपको देना चाहती थी। सुजीत, ज्वेलरी शॉप से पता लगा, देखो इस सोने की अंगूठी की ऑर्डर देने के लिए अनुष्का के साथ उस शॉप में कोई और भी गया था क्या? आइए सर, बताइए क्या दिखाऊं आपको। हम लोग सीआईडी से, पर हम कुछ देखने नहीं बल्कि आपको कुछ दिखाने आए। ये रिसीट आप ही के ज्वेलरी शॉप की है ना? जी सर। तो क्या इस रिसीट पर जिस अंगूठी का ऑर्डर दिया गया है वो अंगूठी आप हमें दिखा सकते हैं? जी सर, ये रही वो अंगूठी सर। तो ये है वो अंगूठी जिसके अनुष्का ने ऑर्डर दी रखी थी? जी सर, करीब 2-2.5 घंटे तक वो यहाँ बैठी रही और तब जाकर उन्होंने ये डिजाइन चूज किया था। अच्छा, ये अंगूठी किसी लड़के के लिए बनाई है ना? जी सर, उन्होंने ये अंगूठी अपने मंगेतर के लिए बनवाई थी। मंगेतर के लिए? जी। तो क्या वो मंगेतर भी आया था उसके साथ? नहीं सर, वो तो नहीं आए थे। तो अकेली आई थी अनुष्का? नहीं सर, उनके साथ एक लड़की थी, शायद उनकी सहेली हो। सहेली? क्या सहेली का नाम जानते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि शायद दोनों जब बात करती होंगी तब आपने सुना हो। सर, उस लड़की ने अपना नाम और नंबर खुद लिखवाया था। खुद अपना नाम और नंबर लिखवाया था? क्यों? सर, उन्होंने कहा कि अनुष्का का नंबर ना लगे तो मैं उन्हें फोन करूं। तो क्या उस सहेली का नाम और नंबर हम देख सकते हैं? Excuse me, ये बैंक के मैनेजर कहाँ हैं? जी, मैं हूँ यहाँ का बैंक का मैनेजर। देखिए भाई साहब, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ बैंक में? आपके बैंक में एक एम्प्लॉय थी अनुष्का नाम की। जी सर, वो यहाँ पर कैशियर थी। क्या हुआ सर? एक्चुअली उसका खून हो गया है। What? अनुष्का का खून हो गया? कैसे सर? बिल्डिंग से नीचे गिर गया। हे भगवान, एक महीने से मैं उसे मिला नहीं, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। आपने उसे निकाला था? क्यों? सर, वो बैंक से पैसे चोरी करेगी तो मैं उसके गले में माला तो नहीं डालूंगा ना। वो खुद तो डूबने वाली थी, साथ में मुझे भी डुबाने वाली थी। पूरे 1,00,000 रुपए खा गई थी वो। 1,00,000 रुपए? जी सर, 1,00,000 रुपए। लेकिन अनुष्का तो काफी अच्छे घर की लड़की थी। वही तो सर, अच्छे घर की होने के बावजूद भी उसने ऐसा काम किया। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? सर, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था और बिना सबूत के मैं पुलिस के पास क्या मुंह लेके जाता सर? पुलिस को दिखाने के लिए आपके पास मुंह नहीं था और बिना सबूत के आपने अनुष्का को नौकरी से निकाल दिया। देखिए सर, जब बैंक से पैसे गायब होते हैं तो कभी ना कभी पता चल जाता है। कोई लोग पैसा हाथ से उठा के लेके जाते हैं और कभी कोई चुपके से हवा कर देता है। अगर उसने यहाँ से पैसा चुराया है तो फिर ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इसमें तो दिख जाएगा ना? हाँ सर, ये कैमरा 24 घंटा चालू रहता है। हमें उस दिन की फुटेज दिखाइए जिस दिन बैंक में चोरी हुई थी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अनुष्का, अनुष्का मुझे छोड़ के चली गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरे साथ कोई खेल खेल रहा हो। जब भी दरवाजे की घंटी बजती है तो लगता है दरवाजे के बाहर अनुष्का ही खड़ी होगी। अनुष्का से दोबारा ना मिल पाने का ख्याल ही मुझे खाए जा रहा है। देखो जानवी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। ये बात सच है कि जब भी कोई अपना करीबी अचानक बेवजह मारा जाए तो उसका दर्द सहना मुश्किल है, लेकिन क्या करें, जिंदगी है ही ऐसी। लगता है आप काफी अच्छी दोस्त थी अनुष्का की। हम दोनों कॉलेज के दिनों से बहुत अच्छी सहेलियां थी। वो अपना हर सुख दुख मुझे बताया करती थी। तो फिर जानवी, अनुष्का ने तुम्हें ये भी तो बताया होगा कि वो किसके साथ शादी कर रही है। शादी? शादी क्यों? तुम तो गई थी ना उसके साथ अनुष्का की एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए। पर उसने मुझे अपने मंगेतर से नहीं मिलवाया था। कहा था सरप्राइज है, वक्त आने पर मिलवाएगी। मगर उसका नाम हम तो बताया होगा, या तो फिर वो कहाँ रहता है या उसका टेलीफोन नंबर वगैरह। हाँ, उसका नाम राहुल है। राहुल? मुझे इतना ही पता है। इसे एक बात बताओ, ये अनुष्का राहुल से मिली कैसे? अनुष्का को इंटरनेट पे चैटिंग करने का बहुत शौक था। राहुल से भी वो इंटरनेट पे ही मिली थी। इंटरनेट पे? अनुष्का राहुल से इंटरनेट पर मिली थी?
तो फिर अनुष्का के कंप्यूटर से हम राहुल तक पहुंच सकते हैं। सब कुछ तो ठीक ठाक लग रहा है। नहीं सचिन, कुछ तो है जो हमारी नजरों से छुप रहा है। कुछ तो है, लेकिन सर ऐसा क्या हो सकता है? हमने तो लंच ब्रेक की फुटेज भी देख ली, उसमें तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। नहीं नहीं, वो लंच टाइम में ऐसा काम नहीं करेगी, क्योंकि उस वक्त लोगों का शक उस पे जा सकता है। वो ऐसा काम तभी करेगी जब बैंक में काफी भीड़ भाड़ होगी और सब लोग अपने अपने काम में बिजी। बैंक में सबसे ज्यादा भीड़ कब रहती है? सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। ठीक है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक की फुटेज जरा फिर से चलाइएगा। ये देखा सचिन? कैसा? एक मिनट, ये जरा स्टॉप करें, स्टॉप, जरा इसको पीछे। हाँ अभी प्ले करिए, बस रोके, स्टॉप। इसके हाथ पे जूम करिए, अभी प्ले करिए। क्या ये आदमी इसे स्लिप नहीं दे रहा है, 100 रुपए का नोट दे रहा है। इसने अनुष्का को 100 का नोट दिया और उसके बदले में उसने 1 लाख रुपए दिए उसे। अब जरा स्लोली जूम आउट करिएगा और क्लिक करिए। जी सर। लेकिन इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं सचिन, इसकी जैकेट और दाढ़ी दिख रही है ना, और ये आदमी करीब 5 फीट 5-6 इंच के करीब होगा। ये आदमी वो चाबी है जिससे हम इस केस के सारे ताले खोल सकते हैं। ओहो, कौन आ गया इस वक्त? आ रहा हूं बाबा। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी मुझसे मिलने क्यों आई? अनुष्का का खून हो गया है। क्या? अनुष्का का खून हो गया? हाँ, अनुष्का का खून हो गया है। लेकिन ये सब कैसे हो सर? तो एक लंबी कहानी है राहुल, मगर हमें शक है कि अनुष्का का खून तुमने किया है। क्या सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ। अनुष्का से मैं बहुत प्यार करता था सर, बहुत प्यार। अब से उसकी मौत की खबर सुनकर मेरी हस्ती खेलती जिंदगी में आग लग गई है सर। मुझे जीने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा है। और आप लोग कह रहे हैं कि अनुष्का को मैंने मारा है। ये सब डायलॉग बोलने में और सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि तुम्हारे और अनुष्का के बीच में कंप्यूटर पे जो चैटिंग चलती थी ना, वो चैट्स हमने पढ़ लिए। चैट्स? जी हाँ, चैट्स। पिछले कुछ दिनों से आपका झगड़ा हो रहा था ना अनुष्का के साथ? जी हाँ सर, क्योंकि वो चाहते थे कि शादी के बाद हम अलग रहे। अब आप ही बताइए सर, बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ देना अच्छी बात है क्या? हो सकता है इसी वजह से तुमने अनुष्का को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया। यानी अनुष्का की मौत बिल्डिंग से नीचे गिरकर हुई है? हाँ। अनुष्का मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा थी सर, वही मेरे जीने की वजह थी। लगता है राहुल जी को फिल्में देखने का बड़ा शौक है, एक के बाद एक डायलॉग मारे जा रहे हैं। ये डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग नहीं, ये मेरी दिल की भावना है। मैं तो अपनी शादी की प्लानिंग कर रहा था सर, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? एक मिनट। ये देखिए सर, ये हमारी शादी का घर, और ये दुबई की 2 टिकटें। शादी के बाद हम घूमने जाने वाले थे। क्या ये देखकर आपको अभी भी यही लगता है कि मैं अपने होने वाली बीवी का खून करूंगा? शादी का कार्ड छपवाने से और दुबई की एयर टिकट खरीदने से यह साबित नहीं होता राहुल जी कि अनुष्का का खून तुमने नहीं किया है। ये बता, जब अनुष्का की मौत हुई तब तुम कहां थे? वो उस समय पुणे गया था एक सेमिनार अटेंड करने के लिए, अब थोड़ी देर पहले लौटा हूं। और ये सेमिनार कहां था? होटल कंफर्ट पैलेस में। होटल कंफर्ट पैलेस? जी सर। रेडी? मैं समझ गया सर, मुझे क्या करना है सर? एक
ये क्या करने वाले हैं सर? कुछ खास नहीं, बस इस होटल कंफर्ट पैलेस में जाकर पूछताछ करेंगे कि वहां पर क्या मिस्टर राहुल कंफर्ट में थे या नहीं। तो मेरा शक बिल्कुल पक्का हो गया है सर, अनुष्का का खूनी राहुल ही है सर। हाँ सचिन, वैसे देखा जाए तो राहुल की हाइट भी 5 फुट 5 इंच है, और जिस आदमी ने अनुष्का से बैंक में पैसे लिए थे उसकी हाइट भी लगभग 5 फुट 5 इंच थी। हाँ सर, मगर एक फर्क है सर। क्या? वो बैंक वाले आदमी की दाढ़ी थी और राहुल की दाढ़ी नहीं। तो हो सकता है नकली दाढ़ी लगाकर आया हो वो। सर, होटल कंफर्ट पैलेस से आ रहा हूँ। पता चला है कि जब अनुष्का की मौत हुई तब राहुल वाकई में वहीं पे था, सेमिनार अटेंड कर रहा था। मतलब राहुल खूनी नहीं है? नहीं। एक बात बताओ, जब इस अनुष्का ने बैंक में हेरा फेरी की तब राहुल कहां पर था? सर उस दिन भी राहुल सुबह के 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक एक सेमिनार में ही बिजी था। उस दिन भी वो सेमिनार में ही बिजी था? यस सर। ये अजीब बात है, जब भी कोई गुनाह होता तब ये राहुल किसी ना किसी सेमिनार में बिजी होता है। सर ये भी तो हो सकता है कि ये सारे गुनाह कोई राहुल के कहने पे कर रहा हो, और ये गुनाह उसी वक्त करता है जिस वक्त राहुल किसी मीटिंग या सेमिनार में बिजी होता है, ताकि किसी को उस पे शक ना हो। एसीपी प्रद्युमन, यह क्या एक और उसी सोसाइटी में? एक ही दिन में 2 मौत, उसी बिल्डिंग में, उसी तरीके से। वो क्या रहे यहाँ पे? क्या बताएं साहब, हमारी हस्ती खेलती बिल्डिंग को किसी की नजर लग गई है। पहले उस विंग में अनुष्का मैडम, अब इस विंग में रीचा मैडम। हाँ, किसी खूनी की नजर। तो जवान लड़कियों को अपना निशाना बना रहा है। रीचा मैडम 10वें माले के ऊपर रहती है क्या? जी साहब, 13वें माले पे रहती थी। इसका सर और चेहरा अनुष्का से भी बुरी तरह से कुचला गया है, देख के लग रहा है कि ये ऊपर वाले माले पे रहती है। सर, रीजा की लाश भी बिल्डिंग के काफी करीब लग कर गिरी है, इसका मतलब इसने भी खुद ही छलांग लगाई है। रेडी, ठीक है, इस रीजा के फ्लैट में जाके चेक करो। सर, रीजा से आखिरी बार मिलने कौन आया? रीजा मैडम से भी इन दिनों कोई भी मिलने नहीं आया। रीजा अकेली रहती थी? जी साहब। ये अनुष्का मैडम और रीजा आपस में सहेली थे क्या? नहीं साहब, मैंने तो इन लोगों को कभी आपस में बात करते हुए नहीं देखा। कोई ना कोई कनेक्शन तो था, अभी तो इन्हीं दोनों को निशाना बनाया गया। आप? ये नेहा जी है, रीचा मैडम की पड़ोसन। सिर्फ पड़ोसन ही नहीं, मेरी बहुत अच्छी सहेली भी थी रीचा, बिल्कुल एक छोटी बहन जैसी। क्या बता सकती है कि क्यों किया होगा आत्महत्या? ये आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता? रीचा आत्महत्या कर ही नहीं सकती, वो तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसने मुझसे कहा था कि उसे जिंदगी से जो भी चाहिए वो उसे सब मिल गया है। मैं मान ही नहीं सकती कि उसने आत्महत्या की है। आपको किसी पे शक है? कौन हो सकता है रिचा की मौत के पीछे? वो रिचा का तो कोई दुश्मन भी नहीं था। सर ये देखिए सर, रिचा के मोबाइल फोन पे उसी टेलीफोन बूथ से किसी ने कॉल किया। सिर्फ इतना नहीं है सर, रिचा के साथ भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ है जैसा अनुष्का के साथ हुआ था। और ये क्लब लेकर्स का पास, ऐसा ही पास हमें अनुष्का के घर में से मिला था। कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं जो इसी बिल्डिंग में रहने वाली जवान लड़कियों को अपना निशाना बना रहा? पहले अनुष्का, उसके बाद में वो लड़की रीचा, दोनों की दोनों लड़कियां एक के बाद एक बिल्डिंग से छलांग लगाकर कूदती है और मर जाती। क्यों कूदी वो? क्यों कूदकर मर गई? समझ में नहीं आता क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में, कुछ तो संबंध होना ही चाहिए। दोनों की ही मौत ऊपर से कूदने से हुई है। तो मैंने कब कहा नीचे से ऊपर कूदने से हुई है? मैं ये कह रहा था कि दोनों का ही आत्महत्या का तरीका एक जैसा है। किसने कहा आत्महत्या की है? मैंने कहा किसी ने नहीं। सॉरी सर, दोनों को ही फोन आया था पीसीओ से, एक ही पीसीओ से दोनों को फोन आते हैं और फोन आने के बाद में दोनों छलांग लगाकर खुद कर मर जाती है। क्यों? क्यों छलांग लगाती है? सर दोनों की फोरेंसिक रिपोर्ट भी एक जैसी है, नो अल्कोहल नो ड्रग्स। वही तो, नो अल्कोहल नो ड्रग्स, फिर भी कुछ तो है, कुछ तो है इन दोनों की जिंदगी में जो इन दोनों को जोड़ रहा है। सर एक दूसरे से कभी बात भी नहीं की थी उन्होंने? एक दूसरे से कभी बात भी नहीं की, एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, फिर भी लगता है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है वो एक्स फैक्टर। सर वो लेकर्स क्लब के पास जो अनुष्का और रिचा दोनों के घर से मिले थे? हाँ, वो लेकर्स क्लब के डिस्को के पास
और ये दोनों भी लड़कियां उस लेकर्स क्लब के डिस्को में जाती थी, दोनों भी लड़कियां। सर दोनों अकेली रहती थी और दोनों के फैमिलीज भी यहाँ पे नहीं थे। और सर अनुष्का और ऋचा दोनों की ही फैमिलीज मिडिल क्लास फैमिलीज है। दोनों अकेली रहती थी, दोनों एक दूसरे को जानती नहीं थी, दोनों मिडिल क्लास फैमिली की थी और दोनों उस लेकर्स क्लब के डिस्को में भी जाती थी। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, मगर क्या क्या हो सकता है कनेक्शन? एक काम करो, इस रीचा के बारे में पूरी पूछताछ करो, पूरी पूछताछ करो, पता लगाओ उसने बैंक में से कितने पैसे निकाले और कहां कहां ये पैसे उड़ाए। तो क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? मैनेजर साहब जरा ये अकाउंट नंबर देखिए, ये किसी रिचा एम नाम की लड़की का है क्या? जी हाँ सर, ये अकाउंट नंबर रिचा का ही है। खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया ये केस। इस अकाउंट से रिचा ने पैसे निकाले? एक मिनट, इतना पैसा निकाला? क्या हुआ, कितना कितना पैसा निकाला? 2 लाख रुपए लगातार एटीएम से पैसे निकाल रही है ये। है नहीं मैनेजर साहब, थी इस रिचा का खून हो गया है। क्या खून हो गया? जी हाँ। ये किस एटीएम से पैसे निकाल रही थी? एमडी रोड से, एक ही एटीएम से निकाल रही थी ये पैसे। सर कमाल की बात है, रिचा जिस सोसाइटी में रह रही थी वो शहर के एक तरफ है, और जिस एटीएम से पैसे निकाल रही थी वो शहर की दूसरी तरफ, उसके घर से इतनी दूर। ये बात तो है। अच्छा, इसने सिर्फ पैसे निकाले या किसी को पैसे दिए भी? हाल ही में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है? हाँ, हाल ही का ट्रांजेक्शन एक टैक्सी सर्विस एजेंसी में हुआ था। टैक्सी सर्विस? हाँ, टैक्सी सर्विस, व्हील्स टैक्सी सर्विस। व्हील्स टैक्सी सर्विस। देखो जरा कोई मिलता है। एक्सक्यूज मी सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सर हमारे डिस्को में सिर्फ कपल्स आ सकते हैं, सिंगल लोग नहीं। अच्छा, तो उस लड़की को क्यों जाने दिया? क्योंकि सर सिंगल लड़कियां जा सकती हैं, लेकिन सिंगल लड़के नहीं। अरे वाह, हम मर्दों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि सर सिंगल लड़कियां अंदर जाके हल्ला गुल्ला नहीं करती हैं, कोई झगड़ा वगैरह नहीं करती हैं, पर आप जैसे सिंगल लोग तो। हम लोग क्या हल्ला गुल्ला या झगड़ा करने वाले लगते हैं? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर ऐसे ही हम किसी के लिए अपने रूल्स नहीं तोड़ सकते। सीआईडी के लिए भी नहीं? सीआईडी? हाँ सीआईडी। आई एम वेरी सॉरी सर, पर अगर आप पहले बता देते तो। खैर मैं नवनीत, यहाँ का मैनेजर। वैसे आप लोग किस लिए आए हैं? अनुष्का और रिचा के बारे में पूछताछ करने के लिए। अनुष्का और रिचा? जी हाँ, शायद वो दोनों आपके स्पेशल गेस्ट हैं। जी बिल्कुल, वो दोनों अक्सर हमारे यहाँ पार्टी करने के लिए आती रहती हैं, पर आज तो वो दोनों यहाँ नहीं आई हैं। आगे कभी आएंगी भी नहीं। क्यों सर, उन दोनों ने कुछ गलत किया है? नहीं देखो नवनीत, ये बात नहीं है, तुम सिर्फ इतना बताओ कि ये दोनों क्या अकेली यहाँ पर आती थी या कोई साथ में भी होता था उनके साथ? सर जहाँ तक मुझे याद है अनुष्का तो अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ आती है, पर ऋचा तो हमेशा अकेली आती है। क्या ये एक दूसरे को जानती थी, कभी एक दूसरे से बातें करती थी? सर मैंने तो उन दोनों को कभी आपस में बातचीत करते हुए नहीं देखा। आखिरी बार कब आई? आखिरी बार यही कोई 2 हफ्ते पहले, हमारे यहाँ एक स्पेशल पार्टी थी। स्पेशल पार्टी? जी सर, दरअसल वो दोनों लड़कियाँ हमारे स्पेशल गेस्ट की लिस्ट में, इसलिए हमारे यहाँ जब भी कोई खास पार्टी होती है तो हम हमारे स्पेशल गेस्ट को इस तरह के स्पेशल इनविटेशन पास। स्पेशल पार्टी के लिए स्पेशल इनविटेशन स्पेशल गेस्ट के लिए? तो उन स्पेशल गेस्ट की लिस्ट भी होगी तुम्हारे पास? हाँ सर है, मगर वो तो रॉबी के पास है। कौन है ये रॉबी, बुलाओ उसे। सर रॉबी तो अभी तक आया नहीं है। तो फिर वो जहाँ पर भी है फोन करो उसे, उससे कहो कि सारा काम छोड़कर अभी इसी वक्त यहाँ आ जाए। जी जी सर। और उसे ये मत बताना कि हम लोग यहाँ पर आए। अरे भाई टैक्सी आपकी बिल्डिंग तक आ रही है, अरे पहुंच जाएगी, टाइम पे पहुंचेगी, मैं कह रहा हूँ ना। टाइम पे पहुंचेगी, फिकर मत। एक कहिए सर, कहाँ के लिए चाहिए आपको टैक्सी? नहीं नहीं, टैक्सी नहीं चाहिए, हमें ये बताइए कि हाल ही में आपके यहाँ से रिचा एम नाम की लड़की ने टैक्सी बुक की थी क्या? एक मिनट। हाँ सर, रिचा एम नाम की लड़की ने 2 दिन पहले हमारे यहाँ से टैक्सी बुक की थी। उसने एमपी रोड से तिलक मार्केट रोड तक बुक की थी सर, पूरे 7 किलोमीटर तक गई थी। कौन सा ड्राइवर लेके गया था? सर तालगुन। तालगुन? आसपास है तो बुलाइए जरा। एक मिनट सर। बिट्टू तालगुन है आसपास? है, जरा केबिन में भेजना जल्दी। सर अभी आ रहा हूं। सर तालगुन। जी साहब आपने बुलाया? तालगुन ये बताओ, 2 दिन पहले यानी 25 तारीख को
ऋचा नाम की एक लड़की को तिलक मार्केट ले गए थे एमबी रोड से। ऋचा तिलक मार्केट? जी हाँ साहब। तो रास्ते में वो किसी से मिली थी क्या, या फिर गाड़ी के अंदर किसी से फोन पे बात कर रही हो कुछ? नहीं साहब, फोन पर बात करते हुए मैंने नहीं सुना साहब। रास्ते पर चुपचाप बैठी थी और ना ही किसी मिली थी। अच्छा, कुछ घबराई हुई थी क्या? घबराई हुई तो नहीं लग रही थी साहब, लेकिन हाँ साहब, तिलक मार्केट जैसे हम पहुंचे किसी को ढूंढने लगी थी। ढूंढने लगी थी? अच्छा ठीक, तुम जा सकते हो। जी सर। सर वैसे तो उसने तिलक मार्केट में किसी को दे दी होंगे। मुझे लग रहा है सचिन, जिससे वो मार्केट में मिली थी वही उसका खूनी है। और कितनी देर लगेगी रॉबी को आने में? कभी भी आ सकता है सर, पर वैसे आपने बताया नहीं कि बात क्या है। बात बहुत सीरियस है नवनीत, ऋचा और अनुष्का दोनों के खून हो गए। खून? व्हाट? खून? अरे रॉबी तुम आ गए? सर आप? ये लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये सब कैसे हो गया? आई मीन ऋचा और अनुष्का तो दोनों बहुत ही अच्छी लड़कियां थी। हाँ ये तो हमें भी पता है कि बहुत अच्छी लड़कियां थी, एक ही सोसाइटी में रहती थी और जिंदगी के साथ खुश भी थी, और उनके घरों में से हमें ये तुम्हारे इस क्लब का स्पेशल इनविटेशन कार्ड भी मिला है। हमारे क्लब का स्पेशल इनविटेशन पास? हाँ, जो तुम लोग स्पेशल गेस्ट को भेजते हो स्पेशल पार्टी में बुलाने के लिए, है ना? हाँ, मगर सर इस पास से इन दोनों के खून का क्या संबंध है? वही पता लगाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। वो स्पेशल गेस्ट की लिस्ट चाहिए हमें। सर वो हमारे स्पेशल गेस्ट सारे जाने माने लोग हैं और उनमें से कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला हम करेंगे, समझे? वो लिस्ट दे दो हमें अभी इसी वक्त। सर ये ऋचा 2,00,000 रुपए निकाल के एमवी रोड के एटीएम से सीधा वहां से टैक्सी पकड़ के तिलक मार्केट गई, जहां पे वो किसी को ढूंढ रही थी। शायद हो सकता है वो आदमी जो उसके खून में शामिल है। सचिन जरूर उस तिलक मार्केट एरिया में कोई ऐसा आदमी है जिसने इस ऋचा को अपने जाल में फंसाया है और उसके पैसे ऐंठ लिए और फिर उस बेचारी की जिंदगी नरक में बदल दी। सर लेकर्स क्लब की स्पेशल कस्टमर्स की लिस्ट में एक ऐसा आदमी मिला है जो तिलक मार्केट में रहता है। देखा मैंने कहा था ना, नाम क्या है इस लेकर्स क्लब के स्पेशल गेस्ट का? मनीष। मनीष लेकर्स क्लब डिस्को, इस मनीष से डिस्को डांस करवाते हैं। मनीष, मनीष तो लगता है ये मनीष भाग गया, हम लोग क्या नहीं खबर से पहले से लग गई थी। अरे भाग के जाएगा कहाँ, वो ढूंढो उसे, देखो कहीं तो छुप के बैठा होगा। मनीष, 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 प्रणय, निखिल जल्दी आओ। ओह माय गॉड, निखिल सर ये तो, हाँ ये मनीष ही है, जल्दी उतारो इसे नीचे। हमें तो लगा था कि ये दोनों खून मनीष ने किए, मगर यहाँ तो ये खुद ही ऊपर चला गया। हाँ मनीष ने भले इन दोनों को मारा हो, लेकिन हो सकता है किसी और ने मनीष को मारा होगा। आराम से। संभल के, संभल के रखो। निशान है, इस निशान को देख के लगता है कि मनीष ने खुद अपने आप को फांसी लगा ली है। सर बॉडी पे स्क्रैचेस या किसी भी स्ट्रगल के निशान नहीं है। वही तो, पलटा जरा इसे। इस केस ने खून और आत्महत्या दोनों का फर्क ही मिटा दिया है। इन तीनों लाशों को देख के तो लगता है कि ये आत्महत्या है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं है। दिल कहता है कि ये तीनों के तीनों खून है, खून, किसी चालाक खूनी ने ये खून किए। पर सर अगर ऋचा और अनुष्का का खून पैसे के लिए हुआ है तो फिर मनीष को क्यों मारा? शायद आत्महत्या की हो मनीष ने। हाँ सर, कई बार लोग जुर्म के बोझ तले दब जाते और प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं सर। हाँ फ्रेडी, होता है ऐसे कभी कभी जिंदगी में। काम करो, घर को अच्छी तरह से तलाशो, अच्छी तरह से।
फोटो के टुकड़े। तो मनीष है, उस मनीष के साथ कौन है? डॉक्टर का एप्रन पहने हुए। ये कौन हो सकता है? डॉक्टर साक्षी। डायरी? मनीष, डॉक्टर साक्षी और मनीष, ये फोटो फाड़े क्यों? सर, अपने ये डायरी मिली है। डायरी? पेशेंट्स लिस्ट रिकमेंडेड टू डॉक्टर साक्षी। यही तो है डॉक्टर साक्षी। पेशेंट्स की लिस्ट में अनुष्का और रिचा पेशेंट के लिस्ट में। रेडी? समझ गया, अनुष्का और रिचा के बीच का संबंध मिल गया, कनेक्शन मिल गया। वो एक्स फैक्टर इन दोनों के बीच में जो है, ये डॉक्टर साक्षी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस डॉक्टर साक्षी के पेशेंट की लिस्ट इस मनीष के घर में कैसे है और क्यों, और ये साक्षी है कौन? सर, हाँ सर, 1,00,000 रुपए मिले सूटकेस में। 1,00,000 रुपए? हाँ सर, शायद वही पैसे हैं जो रिचा ने आरबीडी बैंक से निकाले थे। हाँ निखिल, यही पैसे लेकर वो तिलक मार्केट आ गई इस मनीष को पैसे देने के लिए। मगर अभिजीत सर ने कहा था कि रिचा ने बैंक में से 2,00,000 रुपए निकाले थे, ये तो 1,00,000 ही है। समझ गए फ्रेडी, समझ गए हम। 2,00,000 में से आधे पैसे, 1,00,000 रुपए मनीष ने अपने लिए रखे और ये बचा हुआ आधा हिस्सा वो इस डॉक्टर साक्षी को देने वाला था। इस डॉक्टर साक्षी की पूरी कुंडली निकालो। Excuse me? जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ? जी हाँ, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। Sure. अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि इस शहर में डॉक्टर साक्षी नाम के कितनी डॉक्टर्स हैं और उनके क्लिनिक कहाँ कहाँ? जस्ट वन मिनट। आई एम सॉरी ऑफिसर, लेकिन डॉक्टर साक्षी नाम की कोई भी डॉक्टर शहर में नहीं। हाँ, डॉक्टर शिवानी है। देखिए, हम डॉक्टर शिवानी को नहीं, डॉक्टर साक्षी को ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये है डॉक्टर साक्षी। ये डॉक्टर साक्षी नहीं, डॉक्टर रोशनी है। क्या, ये डॉक्टर रोशनी है? जी हाँ, इन्हें कैसे भूल सकता हूँ। इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, क्यों? क्योंकि ये बिना अथॉरिटी के पेशेंट्स के ऊपर क्लिनिकल हिप्नोसिस आजमा रही। क्लिनिकल हिप्नोसिस? जी। डॉक्टर साक्षी का एड्रेस होगा ना आपके पास? हेलो, हाँ भेज दो जल्दी। बड़े भैया, आइए आइए। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने इतने कम वक्त में हमें बुला लिया। थैंक यू सो मच। देखिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं जल्दी बताइए, मेरे पास वक्त नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम इन्हें है। इन्हें? जी हाँ, ये मेरे बड़े भैया है। बड़े भैया? जी हाँ, बड़े भैया। आप खुद ही बता दीजिए ना। वो ऐसा है कि छोटे भैया हैं तो इनके सामने तो कुछ बोल नहीं सकते। भैया आप टेंशन मत लो, मैं समझ गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन भैया आप डॉक्टर साक्षी को सब कुछ बता देना। थैंक यू डॉक्टर। बता दूंगा, आइए बैठिए। अब बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम्स? एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया है। वो क्या है कि सोते जागते उठते बैठते हर वक्त दिल में सिर्फ उसी का ख्याल रहता है। ओ, यही प्रॉब्लम है आपकी? जी। वैसे आपके पास इसका इलाज तो होगा ना? उस लड़की की सारी यादें मेरे दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे और जिससे मैं सब कुछ भुला के एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। एक मिनट, आपसे ये किसने कहा कि मैं ऐसा कुछ कर सकती? अरे मैडम, मैंने आपकी काफी तारीफें सुनी। आपके पास तो दिमाग की बीमारी का हर इलाज, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा इलाज भी कर सकती हैं। जी, मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। यही ना बात। नौटंकी का सामान?
जिन सबूतों की तलाश में हम लोग आए थे वो सारे सबूत मिल गए हैं। हमने यहाँ आके अपना समय बर्बाद किया है। डॉक्टर साक्षी और उनके क्लिनिक का तीनों के खून से कोई लेना देना नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये नौटंकी का सामान मिला है और ये फोटो देखिए। देखिए, बेबुनियाद सबूत इकट्ठे करके साक्षी को फंसाने की कोशिश मत करो, असली खूनी को ढूंढो। लेकिन ये जो सबूत मिले हैं ये यही साबित करते हैं कि डॉक्टर साक्षी खूनी है। तुम मेरे जूनियर हो, जुबान मत चलाओ मुझसे। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता। मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। ये देखिए सर, ये वही सारा नौटंकी का सामान है जिसे पहनकर वो आदमी बैंक गया था। कहाँ से मिला है तुम्हें? डॉक्टर साक्षी के क्लिनिक में से। क्या कहा? डॉक्टर साक्षी के क्लिनिक से? जी सर। तो क्या डॉक्टर साक्षी? हाँ सर, मगर सर सचिन सर मानने को तैयार ही नहीं है कि डॉक्टर साक्षी खूनी है। ये भी तो हो सकता है कि खूनी कोई दूसरा हो और वो डॉक्टर साक्षी को फंसाना चाहता है। नहीं सर, ये देखिए, ये मैंने क्लिनिक की रिकॉर्ड्स की फोटो खींची है। इसमें साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर साक्षी ने रिचा और अनुष्का को हिप्नोटाइज किया था। डॉक्टर साक्षी अनुष्का और रिचा को हिप्नोटाइज करती थी? तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कल जब इन दोनों लड़कियों ने बिल्डिंग से छलांग लगाई उस वक्त उन दोनों को हिप्नोटाइज किया गया था? यही हुआ सर। जब जब अनुष्का और रिचा ने पैसे निकाले थे तब तब डॉक्टर साक्षी के बैंक अकाउंट में धन की वर्षा हुई थी। तो फिर जब सारे सबूत इस डॉक्टर साक्षी के खिलाफ है तो फिर सचिन मानने को तैयार क्यों नहीं है? पता नहीं सर, बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। जब मैंने उन्हें ये सारे सबूत दिखाए थे तो नाराज होकर घर चले गए। अरे सचिन नाराज होकर घर चला गया? अजीब सा बर्ताव कर रहा था, क्यों? एक मिनट विवेक, जब तुम लोग सबूत इकट्ठा कर रहे थे तो लगता है सचिन को इस डॉक्टर साक्षी ने हिप्नोटाइज किया। सचिन अगर हिप्नोटाइज हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है। जल्दी से जल्दी उसे पकड़ना पड़ेगा। उसका मोबाइल कहाँ है? 500 मीटर की दूरी पर। सर एक जगह रुका नहीं है सर, लगातार आगे बढ़ रहा है। किस जगह जा रहे हैं? अभी मालवीय नगर की ओर बढ़ा है सर। मालवीय नगर मतलब हाईवे नंबर 35 से निकलेगा है? मैं शॉर्टकट लेता हूँ। जैसे जैसे घड़ी की सुइयाँ बढ़ती जा रही हैं खतरा बढ़ता जा रहा है। सर सचिन सर का फोन अभी भी मालवीय नगर से निकला सर। बाहर निकल गया? हाँ सर। नहीं नहीं होना चाहिए इसी रोड पर। सचिन सर का फोन 10 मीटर की दूरी पर, यानी कि इस कार में। क्या 10 मीटर दूर? इस गाड़ी में? इस गाड़ी में सचिन क्या कर रहा है? इसको रोकते हैं। बदतमीजी है ये। सचिन कहाँ है? कहाँ छुपा रखा उसे? जैसे को तैसा दिया, उसके नहले पे दहला फेंका। मालूम है ना तुम किससे टक्कर ले रही हो? आपको पता है आप किससे टक्कर ले रही? क्या सोचा था कि बेवकूफ सचिन मरीज की एक्टिंग करके मुझे उल्लू बना देगा? देखो मैं पूछ रहा हूँ सचिन कहाँ है। सचिन भी बहुत जल्द वहीं पहुँच जाएगा जहाँ अनुष्का रिचा मनीष पहुँच गए। सचिन सर को अगर कुछ हुआ ना तो अंजाम बहुत बुरा का, समझे? ओ बोल बच्चन, चुप करो वरना तुम्हें भी हिप्नोटाइज कर दूंगी। नहीं देखो, तुम सचिन को कुछ मत करो प्लीज। बताओ सचिन कहाँ है, उसको छोड़ दो प्लीज। छोड़ दूंगी अगर CID मुझे इस बात की गारंटी दे कि वो मेरा पीछा करना छोड़ दे। ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अब तो बताओ सचिन कहाँ है। बता दूंगी लेकिन अभी नहीं, इस पर्टिकुलर लोकेशन से बाहर जाने के बाद SMS करके बता दूंगी। अरे अगर तुमने धोखा दिया तो? अब इतना विश्वास तो करना ही पड़ेगा आपको सर। जल्दी कीजिए, सोचने में वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर देर हो गई तो सचिन के मौत के जिम्मेदार आप दोनों होंगे। ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू। निकल, तुम जरा गाड़ी में जाओ, मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। अरे समझा करो यार, हैं? ACP साहब को फोन कर देना। सर हमने साक्षी को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है सर। नहीं सचिन की जान को खतरा है, उसे बचाना सबसे जरूरी है, समझे? मगर समझ नहीं आ रहा है ये सचिन क्या कहा होगा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं सचिन सर के साथ क्या हुआ होगा। क्या है सर? डॉक्टर साक्षी का मैसेज आ गया। कबूतर छत से उड़ने वाला, कबूतर छत से उड़ने वाला, इसका क्या मतलब हो सकता है? माय गॉड, विवेक जल्दी से सचिन के घर की तरफ गाड़ी ले लो, जल्दी। यस सर। सचिन घर की छत पर खड़ा है। मतलब सर सचिन सर के साथ भी वही होगा जो अनुष्का और रिचा के साथ हुआ था? चुप रहो फ्रेंडी, रो मत, जल्दी विवेक। यस सर। वो देखो, वो देखो सचिन। रुक जाओ।
उतरो नीचे। पागल हो गए तो उतरो नीचे। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। अरे ऐसा लगता है कि इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ जाऊं। देखो सचिन, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, उतरो नीचे। एंड दैट्स एन ऑर्डर। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। सर, खींचो से, खींच, छोड़ो, संभल के, तुम छोड़ो मुझे। सचिन बात सुनो मेरी, छोड़ो, खींच, मैं आजाद होना चाहता हूँ। चुप रहो सचिन, छोड़ो। सचिन क्या कर रहे हो तुम? मैं आजाद होना चाहता हूँ। चुप रहो सचिन, सबके सब मरोगे मेरे साथ। सचिन, यहाँ पे अब ये मत पूछना कि तुम कहाँ हो। तुम अपने घर के छत पर हो, समझे? घर के छत पे कैसे? डॉक्टर साक्षी की वजह से। डॉक्टर साक्षी ने तुम्हें हिप्नोटाइज किया सचिन, हिप्नोटाइज। साक्षी, और तुम इस बिल्डिंग से छलांग लगाने वाले थे। बिल्डिंग से? सर, इस डॉक्टर साक्षी को जल्दी से जल्दी जेल में नहीं भेजा गया तो वो और भी मासूम लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है सर। हाँ फ्रेडी, इस डॉक्टर साक्षी का इंतजाम तो मैंने कर ही दिया है। जल्दी खोलिए, जितनी जल्दी इन सीआईडी वालों से दूर चले जाओ, जान छूटे। अभी अलविदा ना कहना। रोशनी जी, तुम? जी हाँ, मैंने सोचा क्यों ना आपको एयरपोर्ट तक छोड़ी हूँ। देखो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो वरना। बाप रे बाप, गन? देखिए रोशनी जी, बुरा मत मानिए, एक बात कहता हूँ, आपके हाथ में गन नहीं, हथकड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। बकवास बंद करो, पीछे घूम जा, भाग जाओ यहाँ से। देखिए ना तो मैं भाग सकता हूँ ना आपको भागने दे सकता हूँ, क्या करूँ अब, ड्यूटी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। चल जाओ वरना मैं गोली चला दूं। एक और खून करने निकली थी। खून? किसका खून? किसका खून? अरे मेरा खून। गोली, गोली में चलाई, गोली में चलाई, मैं सब बता दूं, मैं सब बता दूं। बस बस हाँ, एक ही गोली की आवाज सुन के ये तो सुधर गई अभी ये। तो रोशनी जी और साक्षी जी, आपकी भलाई इसी में है कि जो आप बताना चाहती हैं बताइए, प्लीज कंटिन्यू। 7 साल खड़ी मेहनत करके डॉक्टर बनी थी मैं, और उन लोगों ने मुझसे मेरा लाइसेंस छीन लिया, मेरी डिग्री छीन ली। तो क्या गलत किया उन्होंने? अपने मरीजों का इलाज करने के लिए तुमने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया, मगर क्या हिप्नोटिज्म में काबिल होने के लिए तुमने उसकी पढ़ाई की थी, उसमें डिग्री पाई? नहीं। हाँ डिग्री नहीं थी मेरे पास, तो क्या? मैंने 4-4 सबूत दिए कि मैं हिप्नोटाइज करके क्या क्या कर सकती हूँ। अनुष्का, ऋचा, मनीष, सचिन, इनके साथ जो किया क्या मेरी काबिलियत साबित करने के लिए काफी नहीं था? हिप्नोटिज्म में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तुमने 3-3 खून किए हैं, 3-3 खून। बहुत बड़ा गुनाह किया है तुमने, और इसके लिए सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.